पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे ये है स्टेशन ऑफ द क्रॉस, कलवरी पहाड़, तीर्थ स्थान डोंगरगढ़। तो इस जगह का नाम है कलवरी पहाड़ तीर्थ स्थान डोंगरगढ़, ठीक है। और इसका इनोग्रेशन हुआ था 15 अप्रैल 2011 को, मतलब ये 2011 को बना गया था। और ब्लेस्ड बाय हिज ग्रेस मोस्ट रेवरेंट डॉक्टर जोसेफ अगस्टिन, ठीक है। और भी हमारे रिस्पेक्टेड रेवरेंट, बाप रे बाप अच्छा नाम है, आरोग्यदास पोटन्ना, ये सब रायपुर के हैं। तो ये हैं रश्मिकांत नायक जी जो भी हैं, और यहाँ के सेक्रेटरी है एंटोनी पीटर, वाइस सेक्रेटरी हैं यहाँ पे मिस्टर एल विजय कुमार, और ट्रेजरर हैं यहाँ पे मंगल तिर्की। और यहाँ पे थैंक्स टू ऑल डोनर्स एंड डोंगरगढ़ मिस्टर बिजू सी वी एंजला केरला, ओ बहुत प्यारा। इसके बाद आओ मेरे यहाँ पे आते हैं, कुछ लिखा है ना, कलवारी कृष्ण तीर्थ स्थान डोंगरगढ़ माता मरियम के गोटों का निर्माण दिनांक 11/4/2014, मतलब ये पहले ही हो गया था। अब चलते हैं ऊपर। तो आज हम आए हैं डोंगरगढ़, यहाँ पे बहुत ऊपर जाना है फिलहाल, तो बहुत ही शानदार जगह है, चलिए चलते हैं। ऐसे हिल रहा होगा शायद, अरे बाप ऐसा चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो फिर तो हो जाएगा हम लोग का। यीशु दूसरी बार गिरते हैं, मतलब यहाँ ये पूरा उस पर बेस्ड है, ये क्रूसिफिकेशन के टाइम पर ना पूरा बेस्ड हो जाएगा। आधा तो मेरे को वो तंबू लग रहा है, मिलाप वाला तंबू। अरे बाप रे, अरे बाप रे, उसको तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। यहाँ जाना अपने, पर हम जाएंगे। एक्चुअली मैं इसको अच्छे से पढ़ नहीं रहा, तो लिखा क्या है। अब यहाँ पे जो हेडलाइन है वो है यरूशलेम में स्त्रियाँ यीशु के लिए रोटी गलती है। यहाँ पे लिखा है यीशु क्रूस पर मर जाते हैं, और ये वो इस स्कल्पचर है जो उसको
शो करता है। ठीक है, ये दास्ता तब की है जो हम लोग को मैथ्यू चैप्टर मैथ्यू की बुक में, मरकुस के बुक में, लूका और यूहन्ना के बुक्स में हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, जब ये यीशु मसीह के अंतिम अच्छे दिनों की बात है और ये क्रूसिफिकेशन के समय की बात है। तो ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है, रखी हुई चीज़ है, ये सारे उन्हीं चीज़ों को शो करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक शानदार चीज़ देखने को मिली और वो है ये गुफा। खैर हम लोग ना जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा शायद। सामने रास्ता है। हाँ, रास्ता दिख तो रहा है पर नहीं जा सकेंगे, पर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। नहीं नहीं, इतना हिम्मत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पहले आगे चलते हैं, अभी हमारा डस्टिंग कम्प्लीट नहीं हुआ। ये स्कल्पचर यहाँ पे है और बहुत ही उम्दा शानदार है। यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से फिल्मोग्राफी करना है मेरे को, जाने से पहले एक बार अच्छे से फिल्मोग्राफी यहाँ का करके जाऊँगा मैं। और मैं आपको एक बार पूरा डूंगरगढ़ सर दिखा देता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। ये देखिए, ये पूरा फैला हुआ। चलिए हम लोग अपने, हाँ बसेस लिखे हुए हर दीवार में, नंदी के नंबरिंग करके लिखा है। हाँ, अरे यार वो नहीं आके मिस कर दिया ना। सबसे टॉप में, ठीक है, सबसे ऊपर चोटी में ये बना हुआ है। कितना प्यारा, मतलब रात को जो दिखता होगा ना, ये अनकंडीशनल ऊपर आ चुके हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे और रात को बहुत 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 प्यारा लगता है क्रूज जो यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और मैं आप लोग कुछ सीन्स और यहाँ के कुछ सबसे प्यारे प्यारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वाकई में बहुत सारी जगह है। तो इस जगह का नाम है कलवारी पहाड़ डूंगरगढ़। आप ज़रूर आएँ और बहुत अच्छी जगह है, मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छा लगेगा। मतलब हम लोग इस वक्त पे आए हैं ना जब मतलब भीड़ वगैरह कुछ नहीं है और हम लोग दो ही तीन लोग हैं यहाँ पे घूम रहे हैं।